नमस्कार दोस्तों, नौकरी क्रेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज 22 मार्च हो चुका है। दोस्तों, अभी 11 बज चुके हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि अभी तक आरआरबी एनटीपीसी में कितने फॉर्म अप्लाई किए जा चुके हैं। दोस्तों, पूरा डिटेल्स बताऊंगा। दोस्तों, इसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड और सिलेक्शन प्रोसीजर के सीक्रेट के बारे में बताऊंगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप एग्जाम को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब में आपको कई बार ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको टोटल वैकेंसी और कितने फॉर्म अप्लाई किए जा चुके हैं इतना ही बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि एक सीट पे कितने लोग अप्लाई किए हैं अभी तक। और लास्ट में मैं आपको सेफ जोन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा सजेशन अच्छा लगता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि यूट्यूब में आपको ऐसे वीडियो अगर सर्च कर देंगे तो आपको इतना सा ही डिटेल्स बताने के लिए आपको 20 से 30 मिनट लगा देंगे। दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में आपको आसानी से बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं, आरआरबी गोरखपुर, यहाँ टोटल वैकेंसी 1298 और 2,46,995 फॉर्म अप्लाई किए जा चुके हैं। दोस्तों, तो मैं इसको रेशियो में भी करके दिखा दिया। दोस्तों, इसे आप डिवाइड कर दीजिए तो इसमें 190 लोग हैं। उसके बाद मालदा में आप देख सकते हैं, 2,72,567 लोग अप्लाई किए हैं, 1,043 वैकेंसी में 261 लोग एक सीट के लिए अप्लाई किया। अब मुजफ्फरपुर में आप देख सकते हैं, 292 लोग एक सीट के लिए अप्लाई किए। इस तरह से आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप टोटल वैकेंसी में कितने पोस्ट डिवाइड करके निकाल सकते हैं। पटना में आप देख सकते हैं, 309 लोग एक सीट के लिए आप अप्लाई किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से रांची में देख सकते हैं, 2,23,429 लोग अप्लाई किए हैं, 1,386 वैकेंसी है, 161 एक सीट पे अप्लाई किए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप सिकंदराबाद में देख सकते हैं, 4,17,893 लोग अप्लाई किए हैं, 3,234 वैकेंसी है और 129 एक सीट पे अप्लाई किए हैं। दोस्तों, और जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं, 2,49,293 लोग अप्लाई किए हैं, 898 वैकेंसी है और यहाँ 311 एक सीट पे बन रहा है। दोस्तों, यहाँ सिलीगुड़ी में देख सकते हैं, 2,08,831 लोग अप्लाई किए हैं और 443 वैकेंसी है, 464 यहाँ एक सीट पे बन रहा है। दोस्तों, अलाहाबाद में देख सकते हैं, 7,34,034 लोग अप्लाई किए हैं, 4,099 सीट है, 178 यहाँ पे एक सीट पे बन रहा है। दोस्तों, गुवाहाटी में आप देख सकते हैं, 2,35,328 लोग अप्लाई किए हैं, 851 यहाँ पे वैकेंसी और 276 यहाँ पे एक सीट के लिए बन रहा है। दोस्तों, त्रिवेंद्रम में आप देख सकते हैं, 226 एक सीट पे बन रहा है। दोस्तों, अब इस तरह से डिवाइड करके अपने से भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ कोलकाता में आप देख सकते हैं, दोस्तों एक वैकेंसी के लिए 135 लोग अप्लाई किए हैं। दोस्तों, कोलकाता डेंजर जोन माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, 135 लोग ही अप्लाई किए हैं। दोस्तों, और यहाँ मुंबई में देख सकते हैं, दोस्तों मुंबई में अभी तक 143 लोग एक सीट के लिए अप्लाई किए हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा जो था एप्रोक्स है। दोस्तों, किसी वीडियो में आपको थोड़ा सा आगे पीछे भी मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ अजमेर में आप देख सकते हैं, एक सीट के लिए 182 लोग अप्लाई किए हैं। जैसे यहाँ अजमेर में 3,23,000 लोग अप्लाई किए हैं, तो किसी वीडियो में आपको 3,25,000, 3,27,000 ऐसे भी मिल सकता है। दोस्तों, तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। दोस्तों, यहाँ भोपाल में देख सकते हैं, 2,58,258 लोग एक सीट के लिए अप्लाई किए। दोस्तों, यहाँ पे भुवनेश्वर में आप देख सकते हैं, एक सीट के लिए 299 लोग आवेदन किए हैं। दोस्तों, एक सीट के लिए आप देख सकते हैं, आपको एक सीट के लिए देखना होगा। आप यहाँ पे ये नहीं देख सकते कि इसमें कम वैकेंसी है, ज्यादा वैकेंसी है। बिलासपुर में आप देख सकते हैं कि 243 लोग एक सीट के लिए अप्लाई किए हैं। इस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे आगे भी देख सकते हैं, चेन्नई में अभी तक 140 लोग एक सीट के लिए अप्लाई किए हैं, 3,77,000 फॉर्म अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2,694 वैकेंसी है। यहाँ पे बेंगलोर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेंगलोर में 167 लोग एक सीट के लिए अप्लाई किए हैं। उसके बाद आगे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अहमदाबाद में 411 लोग एक सीट के लिए अप्लाई किए। दोस्तों, यहाँ अहमदाबाद में भी बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पे सीट कम है, लेकिन 4,21,525 लोग अभी तक अप्लाई कर दिए हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ में देख सकते हैं, कम ही अप्लाई किए हैं, 211 एक सीट पे अप्लाई किए, 5,25,123 लोग अप्लाई किए, 2,483 वैकेंसी है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको स्क्रीनशॉट के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह से कितने लोग अप्लाई किए हैं। गोरखपुर में 190 लोग अप्लाई किए हैं एक सीट के लिए, ये एक सीट के लिए निकाला हूँ। दोस्तों, मालदा में 261 लोग एक सीट के लिए अप्लाई किए, मुजफ्फरपुर में 292 लोग एक सीट के लिए अप्लाई किए, पटना में 300
नौ लोग एक सीट के लिए अप्लाई किए, रांची में 161 लोग एक सीट के लिए अप्लाई किए, सिकंदराबाद में 129 लोग एक सीट के लिए अप्लाई किए, जम्मू कश्मीर में 311 लोग एक सीट के लिए अप्लाई किए हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर को जाना नहीं चाहता लेकिन यहाँ पे नौकरी के लिए देख रहे हैं, 311 लोग अप्लाई कर दिए हैं एक सीट के लिए। सिलीगुड़ी में 464, सिलीगुड़ी और मालदा में पिछले बार बहुत कम कटअप गया था दोस्तों, इसलिए यहाँ पे सारे बेडियम बताया जा रहा है कि मालदा में कम कटअप गया था, इस वजह से यहाँ और सिलीगुड़ी में बहुत ज्यादा आवेदन कर रहे हैं। देखिए कितना एक सीट के लिए अप्लाई कर दिया। यहाँ पे अलाहाबाद में देखिए, अलाहाबाद डेंजर जोन कह करके यहाँ पे स्टूडेंट को मूर्ख बनाया गया। यहाँ देखिए 178 यहाँ अप्लाई किए हैं। इस तरह से सारे आप वैकेंसी आप देख सकते हैं दोस्तों, में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से देखिए दोस्तों किस जोन में आपको अप्लाई करना है, आराम से आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और ये लास्ट डेट खत्म होने से पहले ही भरिए दोस्तों, क्योंकि लास्ट डेट बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, वेबसाइट फुल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं दोस्तों, मैं एक बार आई चेकअप करवाया था दोस्तों, इसलिए मैं मेडिकल के बारे में अच्छे से बता दूंगा दोस्तों। मैं एक बार आई चेकअप करवाया था तो मेरा 6x6 आया, तो जो A1 स्टैंडर्ड में आता है, यहाँ पे आप A1 नहीं मांग रहे हैं, A2 मांग रहा है दोस्तों। A2 में आप 6x9 दिया गया, आपको अच्छी तरह से दिखाई देना चाहिए बिना चश्मा लगाए हुए A2 के लिए, और A3 के लिए थोड़ा आपको धुंधला दिखाई देता तो चलेगा, उसके बाद B2 के लिए मतलब उस A3 से थोड़ा कम दिखाई देता है तो चलेगा, C2 में थोड़ा लो कैटेगरी का आ जाएगा उससे। इस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अलग पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया, जूनियर क्लर्क के दिया गया C2, इसी तरह से सबके लिए दिया गया, वैकेंसी भी इस तरह से दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी दिया गया, गुड गार्ड्स के लिए दिया गया, सबके लिए अलग अलग दिया गया है मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें ज्यादा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है उसके लिए दिया गया है। अब अच्छे से इसको देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबके लिए CBT कॉमन होगा दोस्तों, CBT 1 सबके लिए कॉमन होगा, सारे पोस्ट के लिए CBT 1 कॉमन होगा दोस्तों, CBT 2 सबके लिए अलग अलग होगा, सारे पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 90 मिनट दिया जाएगा और क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। CBT 2 देख सकते हैं, अच्छे से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आगे दिखा देता हूँ किसके लिए कितना एग्जाम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं CBT 1 तो सबके लिए कॉमन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन CBT 2 यहाँ पे जूनियर क्लर्क के लिए, जूनियर क्लर्क के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, और जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, यहाँ पे सब देख सकते हैं, गुड गार्ड्स के लिए यहाँ कंप्यूटर टेस्ट होगा, CBT 2 होगा, यानी इस तरह से आपको दिया गया। आप अच्छे से देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जाके, या फिर यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको CBT 1 तो एक ही होगा, लेकिन CBT 2 सबका अलग अलग होगा, टाइपिंग टेस्ट भी अलग अलग होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 वर्ड इंग्लिश में चाहिए और 25 वर्ड हिंदी में चाहिए पर्सनल कंप्यूटर पे टाइपिंग करने के लिए दोस्तों, ये बहुत कम है दोस्तों और एग्जाम की तुलना में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेशन मास्टर के लिए आपको ये साइको टेस्ट भी होगा दोस्तों, CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद, और उसमें 6 पेपर होगा दोस्तों, 6 पेपर में 42 मार्क्स लाना जरूरी है आपको। कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन हटा दिया जाएगा, आपको दिमागी प्रशिक्षण लिया जाएगा दोस्तों, दिमागी चेक किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छे से आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से आपको एग्जाम देना है और यहाँ पे कितने लोगों को बुलाया जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि आपको इस जोन में कम वैकेंसी है और इस जोन में ज्यादा सीट अप्लाई हो गया है दोस्तों, तो आप इस भ्रम में नहीं रहिए दोस्तों। अभी बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं किए, लास्ट डेट का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों कि कब लास्ट डेट आएगा, कितने लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद भरेंगे, तो अभी आप भरना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। बहुत सारे लोग 25-26 सब लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो यहाँ पे कोलकाता में कम लोग अप्लाई किया, वहाँ अप्लाई करेंगे, तो इससे बेटर होगा दोस्तों, सब में जोन में कटअप 75-80 जाने वाला है दोस्तों, तो आप अच्छे से वहाँ पे तैयारी कीजिएगा दोस्तों। सब में कटअप 75-80 जाएगा, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो 90 टारगेट करके रखिए, 90 टारगेट कीजिए तभी आपका 75-80 आएगा, और नॉर्मलाइज करके 80-90 तक पहुँच जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप मैं सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप अपने ही जोन में भरिए दोस्तों, अपने ही जोन में सेफ रहेगा, क्योंकि आप अगर अच्छे से एग्जाम देते हैं, 70-75 लाने का हौसला रखते हैं, 70-75 ला सकते हैं, तो अपने ही जोन में दीजिए। क्या है कि CBT 1 तो कॉमन होगा, आपको होम स्टेट में ही होगा, चाहे आप कहीं से भरे, चेन्नई में या दिल्ली से भरे होम स्टेट, लेकिन CBT 2 के लिए आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। CBT 2 आपको जिस जोन से भरे उसी जोन में होगा दोस्तों, और CBT 2 मतलब आपका अलग अलग
एग्जाम होगा ना CBT 2, मतलब स्टेशन मास्टर गुड गार्ड्स के लिए अलग अलग CBT होगा, तो उतना बार जाना पड़ेगा दोस्तों उतना बार। और ड्राइविंग स्किल टेस्ट भी होगा, अगर किसी में अगर आप फेल हो जाते हैं तो अगर वो क्वालिफाई किए तो आपको पोस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रीफ्रेंस अच्छे से देना है दोस्तों, अगर प्रीफ्रेंस अगर गलत दे दीजिएगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। जैसे आप स्टेशन मास्टर के लिए आप प्रीफ्रेंस फर्स्ट दे दीजिएगा और साइको टेस्ट में फेल हो जाइएगा तो आपको कोई जॉब नहीं दिया जाएगा। अगर आप दूसरे अगर गुड गार्ड्स के लिए अगर सेटअप बना लिए हैं तो आपको गुड गार्ड्स के लिए बुलाया जाएगा, गुड गार्ड्स का जॉब मिल जाएगा। अगर गुड गार्ड्स में कटअप नहीं बनाया, सिर्फ स्टेशन मास्टर में बनाया और सहायकों के लिए फेल हो जाते हैं तो आपको जॉब नहीं दिया जाएगा दोस्तों। इसलिए प्रीफ्रेंस अच्छे से डालिए, मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखिए कि आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हैं। आपको अगला दिखाई देता है चश्मा लगाते हैं तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों। प्रीफ्रेंस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप टाइपिंग टेस्ट में ज़्यादा अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं कि CBT 2 में क्वालिफाई कर सकते हैं। CBT 1 तो आपको जी जान लगा के पास ही करना है, लेकिन CBT 2 अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, अगर टाइपिंग टेस्ट में आप अच्छे हैं, अगर क्लर्क बनना चाहते हैं तो टाइपिंग टेस्ट वाला में आप जाइए, टाइपिंग टेस्ट वाला प्रीफ्रेंस दे दीजिए पहले और टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत कम मांगा है दोस्तों, इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25 मांगा है, जिससे कि SEC में अभी 35 इंग्लिश मांगता है और 30 हिंदी में मांगता है दोस्तों। तो रेलवे में भी कम दोस्तों, मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर टाइपिंग अच्छे से आता है, आपके पास नहीं भी आता है तो टाइम है, टाइपिंग कर लीजिए। 30-25 वर्ड बहुत कम है दोस्तों टाइपिंग के लिए। आप दोस्तों CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद भी आपको टाइम मिलेगा टाइपिंग करने के लिए दोस्तों। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, CBT 2 क्वालिफाई करने के लायक हैं तो CBT 2 भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ टाइपिंग पे ही जाओ, आप CBT 2 पे भी जाओ, CBT 1 पे भी जाओ, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ अभी भी लास्ट में बोल रहा हूँ कि आप अपने होम स्टेट से भरिए, क्योंकि आने जाने में भी बहुत तकलीफ होता है दोस्तों। और आपको CBT 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो CBT 2 में बहुत सारा एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों, इस तरह से आपको एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों। और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आपके लिए ही मैं इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी दबा लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हंसते रहिए और हंसाते रहिए और डेली हमारा वीडियो सुबह 6 से लेकर 9 बजे के बीच पाते रहिए। तो जय हिंद।